हेलो दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा कि आप जिन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हार्मोनल असंतुलन के कारण है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा निर्मित रासायनिक मैसेंजर हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के भीतर संचालित होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो हार्मोन टिश्यूज और अंगों को बताते हैं क्या करना है, पर विभिन्न कारणों के चलते शरीर हार्मोनल असंतुलन से जूझता है, जिसमें हार्मोन बहुत कम हो सकते हैं या बहुत अधिक। आज के इस वीडियो में हम महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। क्या हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण वजन बढ़ सकता है? त्वचा का काला पड़ना और स्किन टैग्स का क्या? क्या रात को पसीना आना भी एक लक्षण है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ। पहला, त्वचा का काला पड़ना। तो आपने हाल ही में ध्यान दिया कि बिना किसी कारण आपका रंग काला हो रहा है। आप त्वचा का अच्छे से ध्यान रखते हैं, फिर भी आपको पिगमेंटेशन है। संभावित तौर पर इसका कारण हार्मोन या उसका असंतुलन है। त्वचा का काला पड़ना, जिसे पिगमेंटेशन भी कहते हैं, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। वास्तव में इसे हार्मोनल पिगमेंटेशन कहा जाता है, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। ये त्वचा के रंग में बदलाव का कारण बनता है, जो कई पैचेस के रूप में दिखता है। ये पैचेस भूरे रंग के होते हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं। ये ज्यादातर महिलाओं के चेहरे पर दिखाई देते हैं। हार्मोनल पिगमेंटेशन असंतुलन द्वारा होता है। ये मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स के स्तर में बदलाव, ईस्ट्रोजन स्तर में वृद्धि या गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। लंबे समय तक जन्म नियंत्रण की गोलियों का सेवन भी ईस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे त्वचा पर भूरे रंग के पैचेस बन सकते हैं। दूसरा, मस्सा। क्या आपको अचानक मस्से विकसित हो रहे हैं? क्या आप इसका कारण नहीं जानते? तो ये हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। मस्सा, जिसे एरकोकॉर्डन्स भी कहते हैं, कुछ और नहीं बल्कि बाहर की ओर लटकती नरम त्वचा है। मस्से शरीर के किसी भी भाग पर दिखाई देते हैं। ज्यादातर त्वचा की सिलवटों या रोंग छिद्रों में होते हैं, या उन जगहों पर जहां त्वचा लगातार रगड़ती है, जैसे आर्मपिट्स। गर्भावस्था के दौरान मस्सों के होने का कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। साथ ही मेनोपॉज के कारण ईस्ट्रोजन का निम्न स्तर त्वचा के पतले होने और उसकी लोच खोने का कारण बन सकता है। त्वचा में ये बदलाव हार्मोनल स्तर में उतार चढ़ाव के साथ साथ मस्से बना सकता है। यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, जो हार्मोनल असंतुलन के कारण भी होता है, इसका एक कारण हो सकता है। क्या आपको अब तक की सूची दिलचस्प लग रही है? तो ये अगला पॉइंट आपको निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम जारी रखें, इस तरह के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तीसरा, हर्सिटिज्म या शरीर पर अत्यधिक बाल। शरीर पर बाल होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण अत्यधिक वृद्धि नोटिस करते हैं, तो संभावना है कि आपके हार्मोन नौटंकी कर रहे हैं। हर्सिटिज्म मोटे, काले और रूखे बालों के विकास से वर्णित किया जाता है, जो महिलाओं के शरीर के उन हिस्सों पर दिखाई देते हैं जहां बाल होना आम नहीं। शरीर के अंगों में चेहरे, छाती, भीतरी जांघों के पीछे और पेट का निचला हिस्सा शामिल है। इसके पीछे का मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन है। हालांकि हार्मोनल असंतुलन के पीछे विभिन्न कारण हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS वाली महिलाओं में लिंग हार्मोन में असंतुलन होता है, जिससे अत्यधिक बालों का विकास, अनियमित पीरियड्स और मोटापा हो सकता है। अगर आपका शरीर कोर्टिसोल के उच्च स्तर के संपर्क में आता है, तो ये कुशिंग सिंड्रोम नामक अवस्था का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हर्सिटिज्म होता है। अत्यधिक बालों के बढ़ने का एक अन्य कारण है स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोर्टिसोल और एंड्रोजन का असामान्य उत्पादन, जो कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के कारण होता है। एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स और मिनोक्सिडिल जैसी दवाएं भी बालों के अत्यधिक विकास का कारण बनती हैं। जब एंड्रोजन का स्तर बढ़ता है, तो हर्सिटिज्म के अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें आवाज का भारी होना, मुहासे, मांसपेशियों में वृद्धि और गंजापन शामिल है। अगर आप चेहरे या शरीर पर अत्यधिक बालों का विकसित होना देखते हैं, तो ये हार्मोनल समस्या का लक्षण हो सकता है। किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। चौथा, चेहरे, पीठ और छाती पर मुहासे। अगर आप अचानक मुहासों को उभरता देखते हैं, तो ये हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। इसे हार्मोनल मुहासों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल मुहासों का कारण बनते हैं।
जैसे जैसे एंड्रोजन का स्तर बढ़ता है वो सीबम का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे बालों के रोम में बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। ये चेहरे, छाती, गर्दन और पीठ पर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूजन भी हो सकती है। सीबम एक प्रकार का तेल है जो शरीर त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पन्न करता है। हालांकि अत्यधिक एंड्रोजन्स स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए सीबम का उत्पादन आवश्यक मात्रा से ज्यादा करते हैं। ये बढ़ा हुआ सीबम त्वचा की मृत कोशिकाओं के साथ आपकी त्वचा के छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे बालों की जड़ों पर मुहासे होते हैं। विभिन्न आकारों और गंभीरता के साथ कई प्रकार के घाव तब हो सकते हैं जब त्वचा की सतह के बैक्टीरिया इन क्लॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जब भरे हुए छिद्र फूलते हैं तो वो पैप्यूलस, पोस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स या सिस्ट का रूप धारण कर सकते हैं। बड़ी और सूजन वाली गांठें या सिस्ट दर्दनाक हो सकती हैं और निशान छोड़ सकती हैं। तो इस तरह आपको हार्मोनल असंतुलन से मुहासे हो सकते हैं। पांचवा, बालों का झड़ना या बालों का पतला होना। अत्यधिक बालों का विकास हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है और यहाँ तक कि बालों का झड़ना और पतला होने का कारण भी यही है। हार्मोनल असंतुलन के प्रकार पर निर्भर करता है कि बाल झड़ेंगे या अत्यधिक बढ़ेंगे। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं के बीच संचार प्रदान करते हैं। यदि कोई असंतुलन है तो शरीर को गलत संदेश मिलेगा और कामकाज प्रभावित होगा। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हार्मोनल असंतुलन से महिलाओं के बाल झड़ते हैं। कुछ हार्मोन्स जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है वो हैं ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और थायराइड। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो बालों के विकास की अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखता है, पर ईस्ट्रोजन के अत्यधिक स्तर के कारण बाल पतले होते हैं। अत्यधिक वजन बढ़ने, पेरिमेनोपॉज और गर्भावस्था के कारण इसका स्तर बढ़ या घट सकता है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुष हार्मोन है, लेकिन महिलाओं में भी इसका उत्पादन कम मात्रा में होता है। जब टेस्टोस्टेरोन DHT में परिवर्तित होता है तो ये स्कैल्प पर बालों के विकास को दबाता है। हालांकि महिलाओं में इस प्रभाव को ईस्ट्रोजन नियंत्रित करता है। ईस्ट्रोजन का स्तर घटने से बाल पतले हो सकते हैं। बाल पतले होने और झड़ने का एक और कारण है थायराइड और इंसुलिन के स्तर में उतार चढ़ाव। छठा, वजन बढ़ना। क्या आप स्वस्थ आहार के साथ नियमित व्यायाम करते हैं तो भी आपका वजन बढ़ना क्यों नहीं रुक रहा? आपको हार्मोन के स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हार्मोनल स्तर में असंतुलन महिलाओं में बिना किसी वजह वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। महिलाओं में वजन को प्रभावित करने वाले हार्मोन हैं ईस्ट्रोजन, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, थायराइड और एल्डोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का एक रूप जिसे एस्ट्राडियल के रूप में जाना जाता है मेटाबॉलिज्म और वजन को नियंत्रित करता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन का उत्पादन कम हो जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और महिलाओं में पेट के चारों ओर फैट जमा होता है। इसका एक और कारण तनाव हो सकता है। तनाव का सामना करते समय शरीर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का उत्पादन बढ़ाता है। कोर्टिसोल कई शारीरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे ब्लड शुगर को नियंत्रित करना, सूजन और मेटाबॉलिज्म। कोर्टिसोल शरीर में तनाव से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कोर्टिसोल के संपर्क में लंबे समय तक रहने से वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट का। एक और हार्मोन जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है वो है थायराइड। थायराइड उत्पादन में असंतुलन से सीधे वजन बढ़ता है। सातवां, ज्यादा या अनियमित मासिक धर्म। नियमित मासिक धर्म एक स्वस्थ कामकाजी शरीर का संकेत है। जब तक आप गर्भवती, स्तनपान, पोस्टमेनोपॉजल या दवा या चिकित्सा स्थिति के तहत नहीं आते, आपका नियमित मासिक धर्म चक्र होना चाहिए। यदि आपके मासिक धर्म चक्र की अवधि औसत समय से कम या ज्यादा है तो आपकी अवधि अनियमित हो सकती है। मतलब कि अगर आपकी अगली अवधि 24 दिनों से कम है या 38 दिनों से ज्यादा है तो आप अनियमित अवधि वाले हैं। मासिक धर्म शुरू होने के पहले कुछ वर्षों के दौरान अनियमित अवधि होना आम है। मासिक धर्म के अंतिम कुछ वर्षों को पेरिमेनोपॉज के रूप में जाना जाता है। यदि आपको अत्यधिक रक्त स्राव हो रहा है और आपके दैनिक कार्यों को पूरा करना कठिन हो जाता है तो आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। कई तरह के हार्मोन्स हैवी या अनियमित पीरियड्स का कारण हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन के प्रकार के आधार पर डॉक्टर कुछ दवाएं और जीवन शैली में बदलावों का सुझाव दे सकते हैं, जिससे हार्मोनल असंतुलन नियंत्रित हो। आठवां,
रात को नींद में पसीना आना। क्या आप रात में अत्यधिक पसीने के साथ उठते हैं? रात का पसीना हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है। पहले ये माना जाता था कि रात का पसीना ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में कमी के कारण होता है। हालांकि अब ये माना जाता है कि ईस्ट्रोजन के बढ़ते हुए स्तर के साथ प्रोजेस्टेरोन का घटता स्तर इसका कारण हो सकता है। इसमें कुछ अन्य हार्मोनल असंतुलन भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तनाव, व्यायाम की कमी और आहार भी रात के पसीने को प्रभावित करता है। उचित स्वस्थ आहार, तनाव में कमी और हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए उचित दवा के साथ रात के पसीने से छुटकारा पा सकते हैं। नवा, बांझपन। हालांकि कई कारणों से बांझपन होता है, जिसमें से PCOS एक प्रमुख कारण है। ये एंडोक्राइन स्थिति ओव्यूलेशन के साथ हस्तक्षेप करती है। PCOS कई ओवेरियन सिस्ट बनाता है जो अंडे नहीं छोड़ते। PCOS के कारण होने वाले बांझपन को दूर करने के लिए डॉक्टर से उचित उपचार की आवश्यकता होती है। यदि मोटापा PCOS होने का कारण है तो इसे कम करने से मदद मिलेगी। क्या आपने इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि आप हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।